गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए आज हम फिजिक्स का सिलेबस डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर में आपको दो किताबें पढ़नी है, ठीक है। पहली बुक क्या है और ये दूसरी बुक क्या है, ध्यान से देखिए। बीएससी सेकंड सेमेस्टर में आपको दो किताबें पढ़नी है, क्या है। पहली किताब का नाम है थर्मोडायनामिक्स, एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक। तो आपको पहली किताब का नाम है क्या, थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। अगर बात की जाएगी थर्मोडायनामिक्स की, तो थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक का मतलब होता है गतिकीय, मतलब उष्मा गतिकीय के बारे में पढ़ना है। और आप इंटर में उष्मा गतिकीय को पढ़कर आए होंगे। अगर आपको थर्मोडायनामिक्स यहां पढ़ लेते हैं तो आपको बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में भी ये मिलेगा आपको टॉपिक थर्मोडायनामिक्स। तो आपको पहली किताब का नाम क्या, थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसके अंतर्गत आपको चार चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। दूसरी किताब का नाम है सर्किट फंडामेंटल, एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। आप लोगों को पता होगा कि आपकी जो जौनपुर यूनिवर्सिटी है वो क्या करती है, पीएचडी सेमी इलेक्ट्रॉनिक्स से करवाती है। आपकी जो जौनपुर यूनिवर्सिटी है इलेक्ट्रॉनिक्स से पीएचडी करने के लिए जानी जाती है, इसलिए उसका पूरा फोकस होता है कि बच्चों को हर साल यही किताब दे। कौन सी किताब, इलेक्ट्रॉनिक्स। सर्किट फंडामेंटल में आपको क्या करना है, सर्किट बनाने के बारे में सीखना, और आपको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ना है, जैसे ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना है, एनपीएन जंक्शन पढ़ना है, एलईडी पढ़ना है, ठीक है। और भी तमाम तरह के डिवाइस आते हैं, ठीक है। आजकल जानते हैं सबसे ज़्यादा यूज होने वाले डिवाइस जो है वो सेमीकंडक्टर के बनते हैं। मोबाइल में छोटी सी चिप हो गई, छोटा सा सिम हो गया, सब किसके बनते हैं, सेमीकंडक्टर के बनते हैं। तो आपको दो किताबें पढ़नी है, एक थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और एक पढ़ना है सर्किट फंडामेंटल एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसके अंदर भी चार चैप्टर और इसके भी अंदर चार चैप्टर। आपकी यूनिवर्सिटी ने कोई भेदभाव नहीं किया है, चार चैप्टर इधर चार चैप्टर इधर डाले हैं, ठीक है। तो आपका ये होने वाला है इस बीएससी सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस। आइए चैप्टर को डिसाइड कर लेते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स में आपको पढ़ना क्या है, आप नाम सुना होगा उष्मागतिकी है। उष्मागतिकी का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, जीरो नियम सब आपने पढ़ा होगा इंटर में। तो उसी उष्मागतिकी के नियम को हमको यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ना है। और पहले चैप्टर का नाम क्या है, जीरो, और जीरो के बाद क्या आता है, वन, जीरो एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। टीएच का मतलब थर्मोडायनामिक्स हो गया। पहला चैप्टर का नाम क्या है, जीरो और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। आपका ये थर्मोडायनामिक्स पूरा हो गया। इस थर्मोडायनामिक्स के दो चैप्टर थे, जीरो एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मतलब जो गैस की गतिज ऊर्जा देखनी है, ठीक है। जो गैसें होती हैं हमेशा गतिज ऊर्जा मतलब गति करती रहती है, ठीक है। तो उष्मा गति के दो चैप्टर डाल दिया, अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के दो चैप्टर डालेगा। कौन कौन सा, पहले चैप्टर का नाम ही है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। और चौथे चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। आप रेडिएशन तो समझेंगे, विकिरण होता है, हर जगह विकिरण होता है, ठीक है।
तो ये चार चैप्टर आपको पढ़ने हैं पहली किताब में। दूसरी किताब सर्किट फंडामेंटल में आपको क्या पढ़ना है, डीसी एंड एसी सर्किट। अगर आपको अक्टूबर का याद है तो अक्टूबर में जब सेकंड फर्स्ट सेमेस्टर डिसाइड नहीं हुआ था तो मैंने कुछ ब्रिजेस पढ़ाई थी, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, हाई वोल्टेज एसी, हाई वोल्टेज डीसी, ये सब चैप्टर पढ़ाया था, वो चैप्टर यहीं से पढ़ाया था, ठीक है। तो उसको हटाकर इस सेकंड सेमेस्टर में डाल दिया, तो फिर से वही किताब हमको, वही जो हम तीन चार पेज लिखवा दिए थे आपको, फिर से वही चैप्टर आपको दोहरा रहे हैं, क्या डीसी एंड एसी सर्किट। दूसरा क्या है, सेमी कंडक्टर अर्धचालक, सेमी कंडक्टर का मतलब क्या होता है, अर्धचालक, एंड डायोड पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर एंड डायोड पढ़ रहे हैं। तीसरे चैप्टर का नाम है ट्रांजिस्टर, तीसरे चैप्टर का नाम क्या है, ट्रांजिस्टर, ठीक है, आपको ट्रांजिस्टर पढ़ना है। और चौथे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइसेस, इसके बारे में। तो ये आपका पूरा होने वाला है सिलेबस, ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा पूरी कॉपी में, एक नई कॉपी बनाएगा लिख लीजिएगा। और हम पहला चैप्टर स्टार्ट कौन सा करेंगे, डीसी एंड एसी सर्किट, ठीक है, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा फोकस इस पे करती है। आप बीएससी सेकंड ईयर में जाएंगे तब तो ये पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ बीएससी थर्ड ईयर में जाएंगे तुरंत फिजिक्स में ये फिर से आ जाएगा। तो यहीं पे अगर आप बेसिक बेस क्लियर किए रहेंगे तो ये अच्छी बात आपके लिए होगी। बाकी का ये सब हो गया तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा, केमिस्ट्री में मिल जाएगा पढ़ने के लिए। नहीं केमिस्ट्री मिलेगा तो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर तो नहीं लेकिन सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जरूर मिलेगा केमिस्ट्री, सिलेबस अगर बदलता है तब भी मिलेगा, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर करना भी है फोकस तो ये बहुत आसान चैप्टर है, इसके बाद मैं ये लिखता हूँ। पहले यहाँ से डीसी एंड एसी सर्किट यहाँ पढ़ेंगे और उसके बाद सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम इसके दो चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम कुल मिला के चार चैप्टर इस एक महीने में खत्म करने वाले हैं, लगभग जून के 25 तक खत्म करने वाले हैं। और उसके बाद जब बच जाएगा तो फिर इसको पहले खत्म करेंगे फिर ये बच जाएगा, ठीक है। तो पहले ये दो पढ़ाएंगे फिर ये दो पढ़ाएंगे और फिर तीसरे नंबर पे ये पढ़ाएंगे और लास्ट में जब बच जाएगा तो ये पढ़ा जाएगा हम लोग, ठीक है। तो पूरे दो महीने हम लोग इन्हीं आठ चैप्टरों पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पूरे दो महीने हम इस आठ चैप्टर को टारगेट करेंगे, हिट करेंगे, ठीक है। तो कल से हम डीसी और एसी सर्किट पढ़ेंगे। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करेंट और एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करेंट, ठीक है, अल्टरनेटिव करें। आइए डीसी एसी का मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले चैप्टर को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, कल से इसको पुशअप करेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखिए, तो पहले चैप्टर का नाम है हमारी दूसरी किताब में से क्या है, डीसी एंड एसी सर्किट। डीसी का मतलब क्या होता है और एसी का मतलब क्या होता है, आपने टेंथ में ही पढ़ लिया होगा, दोनों में बेसिक डिफरेंस, दोनों में बेसिक डिफरेंस पढ़ लिया होगा। डीसी का मतलब होता है बाबू डायरेक्ट करंट और एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट। अगर भोजपुरी में बात करें तो डीसी का मतलब होता है ऐसी लाइट जो ठोकती नहीं है, मतलब लाइट नहीं मारती है, और एसी का मतलब होता है कि अगर छू लिए तो गए काम से, ठीक है। तो एसी की लाइट जैसे आप अपने आसपास देखेंगे तो बोर्ड होगा, हाथ लगाइए तो एसी मिलेगा, ठीक है, ठीक है। आप जिस मोबाइल से पढ़ रहे हैं उसको हाथ लगाइए तो आपको क्या मिलेगा, डीसी मिलेगा, डायरेक्ट करेंट। मतलब कभी लाइट लिखा तो है डायरेक्ट, लेकिन लाइट कभी डायरेक्ट मारती नहीं है। आपकी जितनी बैटरियां होती हैं, जितने भी बैटरी होते हैं, चाहे मोबाइल की बैटरी, चाहे इन्वर्टर की बैटरी, चाहे एलईडी की बैटरी, चाहे वो चार्जर वाली बैटरी, जितनी भी बैटरियां होती हैं सब डीसी करंट पर काम करती हैं। और बाकी जो घर की वायरिंग होती है जहां पे लाइट
फ्रिज की लाइट हो गई, कूलर की लाइट हो गई, मिक्सर की लाइट हो गई, सब किस में बेस होती है? एसी पे बेस होती है। तो कल हम किसी को लगाना सीखेंगे, ठीक है? ठीक है, तब तक ये चैप्टर डालिए, डीसी एसी करंट। हाँ, इसके नोट्स मैंने लिखा दिए हैं, ठीक है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में तीन चार दो तीन पेज एक्स्ट्रा गया था वहीं से पूछ वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो तीन चार पेज तक मैं नोट्स नहीं दूंगा, बस वही चीज़ें आपको समझाऊंगा यहाँ पर, ठीक है? तो आप बस ये याद रखें, वही हेडिंग भी रहेगी, वही सब चीज़ रहेगा, सिलेबस बदला नहीं है, वो चीज़ें फर्स्ट साल के कार्ड से सेकेंड सेमेस्टर में डाल दिया है, ठीक है? सिलेबस वही है, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में डाल दिया है, ठीक है? थैंक यू स्टूडेंट्स, कल बात करते हैं, ठीक है, नए टॉपिक्स पर, इस बी सी एस करेंट पर।